नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत अभिनंदन, सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं द्वितीय वर्ष इतिहास के सेकंड पेपर, जिसमें कि विश्व के इतिहास के कुछ पहलुओं पर आपके सिलेबस में शामिल हैं, जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसी क्रम में हम बात करने जा रहे हैं इंग्लैंड में संसदीय संस्थाओं के विकास के बारे में, उसके क्रमबद्ध चरणों के बारे में, और इस विकास के क्या परिणाम पड़े, राजनीतिक क्षेत्र में भी दलीय पद्धति का कैसे विकास हुआ, और आम जन जो है कैसे प्रभावशाली होता चला गया। इससे पहले थोड़ी सी हम बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में जाना मैं ज़रूरी समझती हूँ। बच्चों, फ्रांस में, इंग्लैंड में हम जब बात करते हैं 18वीं सदी तक, तो पूरे यूरोप में लगभग राजतंत्र कायम था, कोई इसका अपवाद नहीं था। अमेरिका आज़ाद मुल्क के रूप में 18वीं सदी में स्थापित हो चुका था और वहाँ पहली बार लोकतंत्र स्थापित हुआ था। अब धीरे धीरे जो है यूरोप में भी ये हवा आने लगी। फ्रांस में 1789 की जो क्रांति हुई, उसमें लुई सोलवे को हटा करके लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई, गणतंत्र स्थापित कर दिया गया। धीरे धीरे आगे चलकर जर्मनी, विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी, रूस, इटली, इन सब जो राज्यों में भी धीरे धीरे लोकतंत्र कायम कर दिया गया और गणतंत्र व्यवस्था स्थापित कर दी गई। गणतंत्र का मतलब होता है कि देश का जो संवैधानिक प्रमुख है वो हम ही लोगों में से, आम लोगों में से चुना जाता है, वंशीय रूप से नहीं होता। लेकिन इंग्लैंड में आज भी गणतंत्र नहीं है, लोकतंत्र ज़रूर स्थापित हो चुका है। अभी भी इंग्लैंड का जो संवैधानिक प्रधान है, राजा या रानी जो भी होता है, वो वंश परंपरा के आधार पर निर्धारित हुआ करता है। तो कैसे ये संभव हुआ आज के आधुनिक लोकतांत्रिक युग में कि राजतंत्र भी जारी रहा लेकिन लोकतंत्र का विकास भी इंग्लैंड में साथ साथ होता चला गया? तो इन घटनाओं पर हम बारी बारी से, कौन कौन से एक्ट आए उन पर बात करेंगे, और इन एक्ट से, इन सारे संसदीय संस्थाओं के विकास से इंग्लैंड के राजनीतिक आकाश में क्या परिवर्तन आए उन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पहला एक्ट जो हमारे सामने आता है, 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई, उसके बाद इंग्लैंड के जो निर्वाचित शासक थे विलियम और मैरी, उन दोनों से बिल ऑफ राइट्स पर हस्ताक्षर करवाए गए। ये घटना 1689 की है। इसके द्वारा कानून और न्याय संबंधी कठिनाइयां खत्म हुई और संसद के अधिकार में वृद्धि हुई, जनता की स्वतंत्रता की रक्षा हुई। इसकी कुछ धाराओं पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले, राजा जो है संसद की अनुमति के बिना कर नहीं लगा सकता। किसी कानून को स्थगित करना, किसी व्यक्ति को अपराध से बरी करना, इसमें राजा को कोई अधिकार नहीं होगा, यानी जो न्यायिक अधिकार है राजा के, ये कम कर दिए गए। संसद में भाषण और बहस की स्वतंत्रता होगी, और इस, आप संसद में बहस कर रहे हो, भाषण दे रहे हो, कोई न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अगला है, जब तक किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध सिद्ध न हो जाए, उसे जुर्माना, माल जब्त करना, ये अवैध हो गया। पार्लियामेंट जो है निर्वाचित होनी चाहिए, और इस एक्ट के द्वारा विलियम और मैरी को संयुक्त रूप से इंग्लैंड का राजमुकुट भेंट किया गया। इसके अलावा राजा संसद की स्वीकृति के बिना सेना नहीं रख सकता, यानी सैनिक रूप से भी अगर वो शक्तिशाली बनना चाहे तो ये सारी बातें भी खत्म कर दी गई। और फिर लिखा गया कि विलियम और मैरी की मृत्यु के बाद उनकी जो भी संतान होगी वो शासक बनेगा इंग्लैंड का। अगर संतान नहीं हुआ तो मैरी की बहन एन और उसके बाद एन की संतान को, और अगर एन की भी संतान नहीं हुई तो विलियम की जो दूसरी शादियां हो रखी हैं उन पत्नियों से उत्पन्न संतानों को, में से किसी एक को इंग्लैंड की राजगद्दी का अधिकार प्राप्त होगा। ये जो घोषणा पत्र है अंग्रेज़ों की स्वतंत्रता का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रलेख माना जाता है। यहाँ दो मौलिक तत्वों की घोषणा की गई। पहला तो देश के कानून की सर्वोच्चता। अब राजा अपने इच्छा से किसी को अपराध के मुकदमे से बरी कर दे, वो संभव नहीं रहा। किसी को धमकी देना, माल जब्त करना, बैन लगाना किसी पर, बिना जब तक वो अपराधी घोषित नहीं हो जाए, ये संभव नहीं रहा। और दूसरी चीज़ थी राष्ट्र की सर्वोच्चता, कि चाहे विलियम और मैरी रहें, जाएं, उनके पुत्र हों, नहीं हों, इंग्लैंड जो है इंग्लैंड वासियों के लिए सर्वोच्च बना रहेगा। यही दोनों तत्व जो हैं ये संविधान की जड़ें हैं।
इस घोषणा द्वारा निरंकुश राजतंत्र समाप्त हो गया एक तरह से और संवैधानिक राजतंत्र का जन्म हुआ। अगला एक्ट जो है वो 1689 में ही पारित हुआ था, सहिष्णुता अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा ये तय किया गया कि भविष्य में इंग्लैंड में पूरी तरह से धार्मिक सहिष्णुता स्थापित कर दी जाएगी। वैसे विलियम खुद तो काल्विनवादी था, काल्विन का अनुयायी था, ये तो आप जानते ही हैं कि काल्विन जो है प्रोटेस्टेंट मत है, किंतु उसने ये कि मैं प्रोटेस्टेंट हूँ तो कैथोलिकों का दमन करूँ, एंग्लिकन चर्च के अनुयायियों का दमन करूँ, उसको स्वीकृति नहीं दी। इस अधिनियम के द्वारा कैथोलिकों को छोड़कर अन्य लोगों को धार्मिक राजतंत्रता उपलब्ध कराई गई, यानी कैथोलिक व्यक्ति कभी भी इंग्लैंड का राजा नहीं हो सकता। इस अधिनियम ने प्रगतिशील तत्वों के सह अस्तित्व की भावना पर बल दिया। अब अगला अधिनियम अपने आता है त्रिवार्षिक अधिनियम। ये अधिनियम पारित किया गया 1694 में संसद में इंग्लैंड की। इसके अनुसार जो संसद है उसका कार्यकाल 3 वर्ष के तक निर्धारित किया गया और 3 वर्ष बाद राजा जो है उसको अधिकार दिया गया कि वो अपनी मोहर से नए चुनाव की आज्ञा जारी करे। जो संसद की बैठकें जो हैं लंबी अवधि से चली आ रही थी, चुनाव हो नहीं सकते थे, और दूसरी चीज़ अगर सम्राट और संसद की बनने लग जाए तो उसकी कार्यकाल लंबा से लंबा चला जाए, चुनाव हो ही नहीं, अगर जनता चाहे तो भी नए प्रतिनिधि नहीं चुन सके, ये सारी जो स्थिति थी ये समाप्त कर दी गई। अब जो है चाहे सम्राट के समर्थक सांसद हों या उसके विरोधी सांसद, 3 वर्ष से ज़्यादा वो बने हुए नहीं रह सकते थे, उनको जनता के दरबार में जाना आवश्यक हो गया। अगला अधिनियम है उत्तराधिकार निर्णायक अधिनियम, कि इंग्लैंड के सिंहासन का उत्तराधिकारी कैसे होगा। अभी मैंने बताया 1689 में जो अधिनियम पारित किया गया बिल ऑफ राइट्स में, उसमें कहा गया कि विलियम और मैरी की जो संतानें होंगी वो शासक बनेगी, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आ गई। 1694 में मैरी की मृत्यु हो गई, विलियम बूढ़ा हो गया, निसंतान था वो, एन अगर वो कहा था कि विलियम मैरी के बाद एन और एन का जो भी पुत्र पुत्री होगा, एन का पुत्र भी मर गया। अब इंग्लैंड की संसद को डर लगा कि अगर एन के बाद में, एन की मृत्यु के बाद इंग्लैंड के सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहेगा, अतः 1701 में उन्होंने उत्तराधिकार अधिनियम इंग्लैंड की संसद ने पारित करवा दिया। इस अधिनियम के द्वारा हैनोवर की सोफिया और उसकी संतान को इंग्लैंड के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बना गया। अब चक्कर ये था कि एकमात्र उत्तराधिकारी इंग्लैंड के जो राजगद्दी के दावेदार हैं उनमें से सोफिया ही एकमात्र थी जो प्रोटेस्टेंट थी, जो जेम्स प्रथम जो कि स्टुअर्ट वंश का शासक था उसकी पौत्री यानी कि पोती थी। 1714 में रानी एन की मृत्यु के बाद हैनोवर का शासक जॉर्ज प्रथम इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठा, क्योंकि तब तक सोफिया की मृत्यु हो चुकी थी। रोमन जो कैथोलिक थे को इस अधिनियम द्वारा उत्तराधिकार से वंचित कर दिया गया। अब जो भी इंग्लैंड का राजा बनना चाहे, सबसे पहली चीज़ तो उसके लिए इंग्लैंड के चर्च का अनुयायी होना आवश्यक था। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान कर दिया गया कि बिना संसद की परमिशन के राजा विदेश नहीं जा सकता, और विदेश स्थित रियासत के लिए बिना संसद के बताए हुए उनके आदेशानुसार कोई भी भाग नहीं लेगा। इसके अलावा कुछ और भी प्रावधान थे, राजा किसी जज को पदच्युत नहीं कर सकता, न्यायाधीश को किसी अन्य न्यायालय द्वारा अपराधित किए जाने के बाद या संसद द्वारा अभियोग लगाए जाने और उसके स्वीकरणीकरण के बाद ही, अगर संसद कह रही है और कोर्ट उसको पदच्युत करता है तभी राजा जो उसको पदच्युत किया कर सकेगा। इसके अलावा कॉमन सभा में अगर किसी व्यक्ति पर महाभियोग चल रहा है तो अगर वो राजा का समर्थक है, राजा की नज़रों में वो विश्वास पात्र है उसका, तो भी उसको वो क्षमा नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति जो राजा के संरक्षण में हो या पेंशन लेते हों वो कॉमन सभा के सदस्य नहीं हो सकते, तो कॉमन सभा पर राजा का प्रभाव काफ़ी करके ख़त्म कर दिया गया। इस तरह से 1701 के उत्तराधिकार निर्णायक अधिनियम ने, वैसे तो संसद की सर्वोच्चता साबित ही थी, लेकिन यहाँ विदेश यात्राएं करना, रियासतों के युद्ध में भाग लेना, जजेस को हटाना, अब ये राजा के पक्ष में नहीं रहा और ना हाउस ऑफ कॉमन्स में वो अपने परिवार से किसी को भेज सकता था। अब 1714 के बाद में, 1714 से लेकर 1790 तक
इंग्लैंड के हैनोवर शासकों का जो काल था उसमें संसदीय संस्थाओं का धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से विकास होता चला गया और जो संसद थी वो वास्तव में पहले था कि वोटिंग पावर बहुत कम लोगों के पास था, जो धनी लोग थे तो उन्हीं के प्रतिनिधि चुने जाते थे, जनतांत्रिक संस्था कहलाने योग्य बनी। इस संदर्भ में जो चेंजेस आए उनके बारे में हम बात करेंगे, उनके क्या प्रभाव रहे और क्या वो परिवर्तन थे जिन्होंने इंग्लैंड के राजतंत्र को आज के 21वीं सदी के समय भी उसको बरकरार रखने में योगदान दिया। पहला जो इसका बिंदु है वो है राजा की वास्तविक शक्तियों का पतन। राजपथ पर संसद की सर्वोच्चता तो अपन ने देखा 1689 का जो बिल ऑफ राइट्स है उसके अधिकार पत्र से ही स्थापित हो गई थी, किंतु जब हैनोवर वंश राजा बने उस लोग वंश के लोग, उससे पहले क्या हुआ करता था, मंत्रियों को नियुक्ति और उनको पदमुक्ति ये राजा के हाथ में होते थे। हैनोवर काल से राजा के हाथ से ये पावर निकल गए और पार्लियामेंट के हाथ में पहुँच गए। हालांकि 1760 से 1820 में जब जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का राजा था तो कुछ अंशों में उसका पुनर्जीवन हुआ, किंतु ये अस्थायी सिद्ध हुआ। विलियम चतुर्थ के समय राजा के अधिकारों का क्रमिक ह्रास होता चला गया, उसके अधिकारों में कमी आती चली गई और विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के आते आते वो सिर्फ एक संवैधानिक प्रधान मात्र रह गया। संसद पर न्यायिक न्याय जो प्रशासन है उस पर जो है उसके अधिकार धीरे धीरे कम होते चले गए। अगला जो है मंत्रिमंडलीय प्रणाली का विकास। हैनोवर काल के राजाओं से पहले मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती थी उनकी चीफ जो है उनकी अध्यक्षता सम्राट या साम्राज्ञी जो भी हो वो करते थे। मंत्रिमंडल का पूर्ण विकास भी नहीं हो पाया था, हैनोवर काल में इसका उदय हुआ। इसके उदय का कारण था कि वो जो राजा हैनोवर काल में थे वो जर्मन मूल के थे, ये जो है इंग्लैंड की प्रशासनिक व्यवस्था से, संसद की कार्यप्रणाली इससे अपरिचित थे, इसलिए उनको ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें था नहीं, वो सक्रिय थे नहीं। और जो जॉर्ज प्रथम था जो इनका राजा था वो तो कहते हैं कि वो तो अंग्रेज़ी भी तरीके से नहीं जानता था, और जो पहले दो हैनोवर शासक थे जॉर्ज प्रथम और तृतीय वो तो इतने उदासीन थे मंत्रिमंडल की बैठकों के प्रति कि उनकी अध्यक्षता करना ही उन्होंने बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जो प्रधानमंत्री है वो अब मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता करने लगा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट मंत्री है वो प्रधानमंत्री बनाया जाने लगा। इस तरह परिस्थितिवश, ऐसा नहीं है कि जनता ने इसमें कोई ज़्यादा योगदान दिया, जो राजा थे उनको इंग्लिश नहीं आती थी, उनको ज़्यादा संसदीय संस्थाओं की जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने बैठकों में भाग लेना छोड़ दिया। एक तरह से कैबिनेट प्रणाली का जन्म हुआ जिसमें क्या हुआ करता था, एक ही दल के सारे मंत्री होते थे और जो सबसे प्रमुख जो राजा का विश्वास पात्र है जो दल का भी दल की तरफ से चुना जाता था वो प्रधानमंत्री होता था। इस प्रकार कैबिनेट का जन्म सबसे पहले रॉबर्ट वॉलपोल के समय हुआ, जो आप उसको इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कह सकते हो। धीरे धीरे मंत्रिमंडलीय प्रणाली के दूसरे सिद्धांतों को भी अपना दिया गया। जब वॉलपोल जो था वो लॉर्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स या लॉर्ड सभा में पराजित हो गया तो उसने त्यागपत्र नहीं दिया, लेकिन 1742 में हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे हमारी लोकसभा होती है उसका बहुमत नहीं रहा, तो हालांकि सम्राट का उस पर पूरा विश्वास था तो भी उसने त्यागपत्र देकर ये एक प्रणाली स्थापित कर दी कि हाउस ऑफ कॉमन्स, इंग्लैंड में लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, वहाँ अगर विश्वास नहीं है, बहुमत में नहीं है, तो प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं रह सकता। अब तक प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक नहीं हुआ था, वो सिर्फ राय दे सकते थे और मंत्री उसकी राय में उसकी सहयोग कर सकते थे। धीरे धीरे सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा आई और मंत्रिमंडलीय शासन के अन्य सिद्धांतों का विकास हुआ कि प्रधानमंत्री जो है वास्तव में राष्ट्र का प्रमुख बना और राजा जो है वो सिर्फ संवैधानिक प्रमुख ही रहने वाला था। अगला बिंदु है लोक सदन का लोकतंत्रीकरण। हालांकि 17वीं सदी में इंग्लैंड में संसद ने काफ़ी सर्वोच्चता प्राप्त कर ली थी, लेकिन वो इतनी ताकतवर नहीं थी क्योंकि वो जनता के बहुत छोटे से भाग का प्रतिनिधित्व करती थी। पहले जो है जागीरदार वगैरह ही उन्हीं में से चुने जाते थे, फिर धीरे धीरे जो टैक्स देते थे उन्हीं में से चुने जाते थे, लेकिन बाद में जो आगे आंदोलन चलते गए चार्टर एक्ट उसके बाद में संसद के अंदर और बाहरी संसदीय मताधिकार यानी संसद के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं उनके लिए वोट देने के अधिकार के लिए बड़े आंदोलन चले, जिसके कारण 19वीं और 20वीं सदी में इसमें सफलता प्राप्त हुई और संसद में जो व्यक्ति चुने जाते हैं वो आम जन में से वोट लेकर के ही चुने जाते थे।
अब दूसरा आ रहा है, दो मैं बता रही हूँ, जैसे भारत की संसद के दो सदन हैं राज्यसभा और लोकसभा, वैसे ही इंग्लैंड की संसद के भी दो सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लोकसभा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी राज्यसभा। 18वीं सदी तक यहाँ जो है लॉर्ड सभा यानी कि राज्यसभा, आप देखो उसका आतंक छाया रहता था। लॉर्ड अपने मनोनीत सदस्यों को लोक सदन में भेज देते थे, हाउस ऑफ कॉमन्स में भेज देते थे, लेकिन धीरे धीरे लोकतंत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियों को कम किया जाना ज़रूरी समझा जाने लगा, क्योंकि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे उसके सदस्य आनुवांशिक आधार पर, जो सदस्य हैं उनके बेटे सदस्य चुने जाते थे, मताधिकार के आधार पर नहीं चुने जाते। 1832 का सुधार कानून लॉर्ड सभा की इच्छा के विरुद्ध पारित हुआ और इसी समय इसकी शक्तियां कम होना शुरू हो गई। 19वीं सदी में परंपरा स्थापित हो गई कि जो फाइनेंशियल विषय हैं, वित्तीय विषय हैं, उसमें हाउस ऑफ कॉमन्स की स्थिति सर्वोच्च है। 1910 में लॉर्ड सभा ने लॉयड जॉर्ज के प्रगतिशील बजट को अस्वीकार कर इस परंपरा को भंग कर दिया। इसके बाद में 1911 में एक एक्ट लाया गया, अधिनियम लाया गया, जिसके द्वारा हाउस ऑफ लॉर्ड की शक्तियां कम कर दी गई। बाद में 1949 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियों में और भी कमी आई और हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि वहाँ की लोकसभा की शक्ति में वृद्धि हुई। और अंत में है दलीय पद्धति का विकास। संसदीय जनतंत्र का कार्य संचालन जो है पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक दल करते हैं। इंग्लैंड में भी संसदीय जब जनतंत्र का विकास हुआ तो राजनीतिक दल आए। दलीय पद्धति वैसे स्टुअर्ट वंश के शासकों के समय ही आ गई थी। चार्ल्स द्वितीय के कोई संतान नहीं थी और चार्ल्स द्वितीय के भाई जेम्स द्वितीय को राज सिंहासन से अलग रखने के लिए एक एक्सक्यूशन बिल रखा गया। इस बिल पर जो है संसद में दो रुख बन गए, विग और टोरी, दो तरह से एक तरह से दल भर करके सामने आए और यहीं से द्विदलीय प्रणाली अस्तित्व में आई। विग दल के जो सदस्य थे, ये विग दल आगे चल करके लिबरल पार्टी जो इंग्लैंड में आज भी राजनीतिक दल के रूप में सक्रिय है, और दूसरी टोरी दल जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी कहलाई। तो आज इंग्लैंड में जो दो पार्टियां पाई जाती है मुख्य रूप से लिबरल और कंजर्वेटिव, वो इन्हीं संसदीय संस्थाओं के विकास के माध्यम से सामने आई और जो कि विचारधारा के दो अलग अलग धड़ों का नेतृत्व करती हैं और जनता अपनी सुविधा अनुसार जिस विचारधारा उसको लगती है चुनाव के समय जिससे वो मेल खाती है साम्य रखते हैं उन्हें अपना प्रतिनिधि के रूप में चुन करके भेजते हैं। तो बच्चों ये था इंग्लैंड में संसदीय संस्थाओं के विकास, तरह तरह के कानून, चाहे वो बिल ऑफ राइट्स हो, उत्तराधिकार निर्णायक अधिनियम हो, त्रिवार्षिक अधिनियम हो या धार्मिक सहिष्णुता अधिनियम, और ये जो लगातार अनवरत प्रक्रिया चली आई उनसे क्या तथ्य उभर करके सामने आए और इंग्लैंड कैसे राजतंत्र होते हुए भी लोकतंत्र के रूप में स्थापित हो गया और आज भी 21वीं सदी में भी वो राजतांत्रिक लोकतंत्र के रूप में विश्व के पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनाए रखे हुए है। धन्यवाद। जय हिंद।